तो सांग माने आज आम बनवा पनीर भुर्जी करी या बहुत ही टेस्ट लगी था सांग माने बनवा अति सहज यहाँ आप भात सांगे रुटी परठा पूरी सब सहित खाईपर बहुत ही सहजर बन बहुत ही अल्प तेल मसलार बन बहुत ही टेस्ट बन तो से देखो ये मुझे नहीं 200 ग्राम पनीर जहाँ को मुझे घर तैयारी कर घर पनीर ताको छोट छोट करने जदि आप मार्केट पनीर भी नौकरी तो ताको छोट छोट करे ठीक अच्छे। तो सेकेंड स्टेप आम बनवा मसला तो मसला ये मुझे नहीं गोटे बड़ सैज्र पिज जहाँ को मुझे यहपर चप कर नहीं देढ़ इंच खंडे अदा जहाँ को भी छोट छोट कर आठ दस पाखुड़ा रसुण और दुई तीन कंचा लंका तो यह आम देखो यहपर भलसे छेची ने आपड़ चाहिए तो यह ग्राइंडिंग करेंगे कि छेचवा द्वारा यार जो टेस्टा बहुत ही बढ़िया आसता है बहुत ही बढ़ी जाए यार टेस्टा यहपर भलसे आम छेची नवा तो देखो अदा आ रसुण आउ कंचा लंका को आम यहीपर भलसे छेची नवा तो देखो ये आम मसला रेडी होगा। तो ये गैस बसई ना कढ़ा कढ़ा को गरम करवा कढ़ा तेल भलेसे गरम हे एन दुई चामच तेल तेल को आम भलेसे गरम करदे तेल भलेसे गरम हो गले एकाई ने गोटे तेजपत्र अध चामच जीरा खंडे डालचीनी दुईट नहीं गुजराती जहाँ खंड कर नहीं पकई आम यू किसी सेकेंड पर भाजीद गोल्डेन कलर है पर्यटन हो जाए। तो ये काट रखा छोट छोट कर बड़ पिज टाक का रखिंट पिज को पकई ना मीडियम आंच रखे और भलेसे पूरा भाजी ना गोल्डेन कलर होगा पर्यटन किसी समय यह गोटे मिनट भितर लगे भाजीदे देखो ये पिज देखो गोल्डेन कलर हो आसला। तो ये आम जो अदा रसुण कंचा लंका छेचिक रखिंट ताको पकई ने आउ किसी सेकेंड पर पिज फ्राए करने जहाँफल अदा रसुण भी भलसे भाजी हो तो देखो ये भी गोल्डेन कलर अदा रसुण हो गला तो मसला ये आम पूरा भलसे भाजी हो जाए। तो ये आम कौन करना देखो ये मुझे नहीं गोटे बड़ सैज्र टमाटर आप छोट सैज्र दुईट टमाटर ने भलसे ग्राइंडिंग करे ग्राइंडिंग कर आम ए मसलार से टमाटर जो ग्राइंडिंग कर टमाटो प्यूरी ये पकई ने भलसे मसलार गोड़े ना तो भलसे मसलार गोड़ सारापर तो ये आम एड करवा सब शुखिला मसला तो शुखिला मसलार देखो ये मुझे नहीं गोटे छोट चामच नहीं धनिया पाउडर अध छोट चामच नहीं जीरा पाउडर एवं ये नहीं नवा गोटे चामच ये मुझे नहीं काश्मीरी चिली पाउडर जोटा कि बेस राग ना कि कलर बढ़िया आसो आप जी लंका खावा पसंद करे अनुसार ने मुझे नहीं गोटे चामच पनीर मसला आपड़ पाख जेकोसी पनीर मसला अच्छी आप पारे और नहीं ना अध छोट चामच हल्दी ने अल्प टी लुण ना लुण आप देखिकी ने जी आप पनीर तो से अनुसार लुण ने तो अल्प टिके मुझे पनीर पर लुण ए सब मसला को आम आउ किसी समय भलसे पूरा भाजी ना स्लो फ्लेम आपको आम भलसे पूरा कषा देखो भलसे कषि ने आप चाहिए तो यह ढाक आम गोटे मिनिट पर छाड़ीद मझे मझे आपड़े चेक करेंगे ना तो तल लग जदि दरकार पड़ो अल्प टी पा भी आपको भलसे कषिपारे तो स्लो फ्लेम आपत मसला को कषे आप मसला से टेस्ट बढ़िया आसो तो देखो ये गोटे देढ़ मिनिट पर मसला सब भल समय कषि जाए तो ढाकना खोलिकी आम यह आउ गोटे मिनिट पर भलसे पूरा कषि ना जपर्यंत कि यार तेल अंश बाहरी आसी ना आउ देखिए मसला मोटे तले आप कढ़ाई लगभग जानवे आप मसला ये पूरा रेडी जाए। तो ये देखो ये मसला पूरा रेडी तेल बाहरी आसला आउ मोटे प्यान भी लगुन कारण मुझे बेसी तेल नहीं जहाँफल तेल देखा जा तो मसला होगा आम ग्रेवी पर नहीं ना पा ये मुझे नहीं देढ़ कप पा तो पा दे आम ये भलेसे मसला को गोल ने गैस फ्लेम को मीडियम रखे और आम ढाक फुटापी दुई मिनिट पर पूरा छाड़ीद तो ये दुई मिनिट हम देखो ये भलेसे मोर फुटुची तो आम ढाकना खोलिया देखो ये ग्रेवी मोर भलेसे पूरा फुटी जाए कि समय और एम पकई रखि पनीर को जो रखिंट गुंड करके पकई ने तो ये ग्रेवी में आम पनीर को सब पकई ना पनीर को पकई आम यह भलेसे गोल ने गोल सारापर आम ए किसी मसला आड करवा तो एम पकई ना अध चामच ये नहीं ने लुण लुण आम फास्ट पकई तो आईअुसार लुण आप पा देते से अनुसार लुण देखिकी ने अदा नहीं ना अध छोट चामच ये नहीं ने गरम मसला तो छोट चम गरम मसला पकई ने एवं अल्प टिके अध चामच आम नहीं ना मेथी पत्र को यहपर हाथ में घसिक पकई ने आप चाहिए तो आप द्वारा धनिया पत्र भी यूज करें जहाँ पसंद आपड़ा पकात पकई भलेसे गोल ने ढाक आम आउ दु मिनिट पर यह स्लो टू मीडियम फ्लेम दुई मिनिट पर भलेसे फुटा छाड़ीद तो दुई मिनिट पर यार आम ढाकना खोलिया तो देखते फ्रेंड्स आमर ये पनीर भुर्जी करी पूरा पनीर रेडी बहुत ही सहजर बनब आ टेस्ट बहुत ही बढ़िया समस्ते यहाँ खावाक पसंद
पसंद करेंगे तो आपण भी आज बनातु यू आप भात सहित खातु रुटी सहित खातु परोटा सहित खातु पूरी सहित खातु जो थी भी खाइबे यही पनीर भुर्जी करी आपन को बहुत ही टेस्ट लगे आ देखिले ना यहाँ बनवा केज बहुत ही सहजरे अल्प तेल मसलार आपको बनई पारे तो सांग मैंने आज वीडियो आई होप आज वीडियो आपण मूँ निहती पसंद आसो भिड भल लगी तो लाइक निहत करेंगे मो चैनल को सब्सक्राइब।